using spoken English. Tips to bahut sare ho gaye. In this video, I'm going to really make you understand ki how do you do a conversation. कन्वर्सेशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब इन दिस वीडियो मैं प्रैक्टिकली कन्वर्सेशन करके आपको सिखाने वाला हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखो. सबसे पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं. अब ग्रीटिंग्स क्या होता है? जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हो उसके लिए उसे मिलना होता है, और जब भी आपकी मीटिंग होती है उस टाइम पे आपको ग्रीट करना होता है. ग्रीट करने के लिए आप कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज कर सकते हो. अगर नॉर्मल जिसे कैजुअल बोलते हैं अगर वो आप यूज करते हो तो आप बोलोगे हेलो, हाय, ये सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो. इसमें आपकी कन्वर्सेशन अभी स्टार्ट होती है जब आप हेलो या हाय और इन वर्ड्स का यूज करते हो, तो ये इनफॉर्मल वर्ड्स है. मेक श्योर कि कभी भी अपने ऑफिस में कॉलीग्स के साथ या फिर बॉस के साथ ये वर्ड्स बिल्कुल मत यूज करना. तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर यू नो कन्वर्सेशन, तो आपका जो ग्रीटिंग होगा वो हो सकता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. मेक श्योर, अभी गुड नाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, जब 7 बजे के बाद रात हो चुकी है उस टाइम पे हमें गुड नाइट बोलना चाहिए या गुड इवनिंग, कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है. उस टाइम पे आप गुड इवनिंग ही बोलोगे. कब तक बोलेंगे? जब तक कि 12 नहीं बजाते, रात के 12 बजे तक आप गुड इवनिंग बोलोगे. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस टाइम पे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आप किसी से मिल रहे हो, आप ग्रीटिंग बोल रहे हो. वंस अपॉन अ टाइम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉल्ड मी एंड आफ्टर कॉलिंग ही सेज गुड नाइट सर. आई कट द कॉल. वैसे ये इवनिंग था और वो मुझे गुड नाइट बोल रहा था. जैसे ही उसने मुझे गुड नाइट बोला मुझे लगा वो कॉल रखने वाला है, मैंने कॉल रख दिया. तो मेक श्योर कि आप भी जब गुड नाइट बोलते हो इसका मतलब होता है अलविदा. ये हमारा ग्रीटिंग था. इस ग्रीटिंग के बाद आप कंटिन्यू करोगे अपने कन्वर्सेशन को, और जब भी आपका कन्वर्सेशन एंड अप हो, जब खत्म हो जाए या फिर अभी स्टार्टिंग में आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप बोल सकते हो हाउ आर यू. जब आप बोलते हो हाउ आर यू, इसमें आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि अभी उसकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है, क्या प्रॉब्लम्स है, कैसा वो फील कर रहा है. वैसे इसका यूजुअल जो आंसर होता है वो होता है आई एम फाइन. ऐसा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम भी है तो हम उसे शेयर नहीं करते. ऐसा ग्रीटिंग में हम बिल्कुल नहीं करते. क्यों? क्योंकि जब भी ये क्वेश्चंस नॉर्मली हमसे पूछे जाते हैं उस सिचुएशन में हम बताना भी नहीं चाहते, और ना ही ये यूजुअल देखा जाता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड. ऐसा आप बोल भी नहीं सकते, बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं. तो अगर आप पूछना चाहते हो कि आप कैसे हैं, आप पूछ सकते हो हाउ आर यू या फिर हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ इज इट गोइंग ऑन. हाउ इज इट गोइंग ऑन? हाउ आर यू? आर यू डूइंग गुड? आर यू फाइन? ये सारे पूछ सकते हो. एक और जो इनफॉर्मल है ना वो कुछ ऐसा है, व्हाट्सएप. व्हाट्सएप भी आप बोल सकते हो, ये भी बहुत कॉमन है. इसके रिस्पॉन्स में आप कुछ फ्रेजेस, कुछ क्लॉजेस का यूज कर सकते हो. उनमें से कुछ है आई एम डूइंग वेल, थैंक यू. आई एम डूइंग वेल, थैंक यू. नेक्स्ट, डूइंग गुड. यू डूइंग गुड एंड यू? ओके. नेक्स्ट वन इज डूइंग वेल, थैंक यू. आप ये भी बोल सकते हो. और लास्टली आप बोल सकते हो आई एम ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग. ये भी अच्छा है ना. आप इनमें से जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसके यूज कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन में. सिर्फ यही नहीं, अभी यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, और इंट्रोडक्शन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाती है. जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को, बच्चे उस टाइम पे आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो वहाँ मेजर की जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो जो आप में एबिलिटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी यू नो गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं, सब आपको बताना होता है. और इसमें आप अपने आप को उसके सामने रखते हो. किसी को देख के आप जज तो नहीं कर सकते ना कि उसने एजुकेशन कब तक कहाँ तक कर रखी है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है. जब आप इंट्रोडक्शन देते हो उस टाइम पे अपने लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करते हो. इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि पर्सनल. इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको नाम बताना होता है. आप बोल सकते हो माई नेम इज, और उसके बाद अपना नाम बोलना है. माई नेम इज प्रिंस झा. आप क्या बोलते हो? या फिर आप बोल सकते हो यू नो आई एम प्रिंस झा. आई एम प्रिंस झा, व्हाट्स योर नेम? चलो बोल के दिखाओ. अब इसे यूज करो एक सेंटेंस में. आई एम, उसके बाद नाम बोलना. गुड, कितने अच्छे बच्चे हो. ठीक है, तो अब हमने इंट्रोडक्शन करना सीख लिया. इंट्रोडक्शन में अपनी हमने नेम ही बताया. इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी होती है. मेक श्योर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर्सनल चीज़ें बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल. प्रोफेशनल में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं?
लाइक योर क्वालिफिकेशन, लाइक योर एम्बिशन इन फ्यूचर, लाइक योर हॉबीज, ये सब आप ऐड कर सकते हो। इसके बोलने के बाद आपको पूछना भी होता है, मेरे बारे में तो ये सब था, आपके बारे में क्या है? इसके लिए आप पूछ सकते हो, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग इन योर लाइफ, कैन यू गिव मी अ बिट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स, या फिर कैन यू गिव मी अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स, कैन यू टेल योर इंट्रोडक्शन टू मी प्लीज। आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जब आपकी कन्वर्सेशन एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, जब आप कंप्लीट कर चुके होते हो, उस टाइम पे आपको ये कहना होता है कि आपसे मैंने अभी जो कन्वर्सेशन किया ना, बहुत अच्छा गया, थैंक यू इसके लिए। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, नाइस टू मीट यू। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी बोल सकते हो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, मतलब जब मैं आपसे मिला ना तो मुझे खुशी हुई। भले आपको खुशी हो या ना हो, आपको ये बोलना होता है, क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं उन्हें अच्छा फील कराना हमारा मकसद होता है, मेन मोटिव होता है। सिर्फ यही नहीं, आप बोल सकते हो, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स ग्रेट टू मीट यू, आई एम फीलिंग अमेज्ड टू मीट यू, मतलब ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन में। अब आपने ये खत्म कर चुका है, अब अगर कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है, आप फाइनल पोजीशन पे हो, मतलब टॉपिक्स पे जो अभी आपने बात किए वो तो मैं नहीं बता सकता ना, अब आपने टॉपिक अगर खत्म कर रखा है, तो आप गुड बाय का यूज करोगे, जो कि आपके कन्वर्सेशन को एंड करता है। गुड बाय, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड आफ्टरनून, हैव अ गुड इवनिंग, और ऐसे तरह के वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कन्वर्सेशन का फर्स्ट जो डे था हमने कंप्लीट